हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको बताया, अभी हम हैं बहुत ही खूबसूरत सी सिटी बाकू में, और आज है हमारा सेकंड डे यहाँ पे। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा, कल बहुत थक गया था, रात को थोड़ा जल्दी सोया, और आज पूरा चाक चक होके हम उठ गए हैं। और अभी हम फ़िलहाल अपने हॉस्टल से थोड़ी सी दूरी पे वॉक करते करते पहुंच गए हैं, और इस जगह का नाम है ओल्ड टाउन पाकू। अभी जो आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत है, आज हम ओल्ड टाउन पाकू से करेंगे। तो ये जो टाउन है, ये इस एक अजरबैजान पाकू का एक बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट है, और बहुत ही पुराना ओल्ड टाउन है। जैसे लाइक अभी पाकू बहुत डेवलप्ड हो गया, तो ये जो जगह है, ये पूरी इन्होंने अभी तक इसमें कुछ भी लाइक छेड़खानी नहीं की है। ये बिल्कुल जो पुराने टाइम से बनी हुई थी वैसी जगह है, और ये जगह कुछ इस टाइप की वॉल से घिरी हुई है चारों तरफ से, इस जगह की स्पेशलिटी है। अभी हम वॉक करते करते पहुंच गए हैं एक सुंदर से पार्क में, जहाँ पे ये स्टैचू है। और अभी हम जस्ट हॉस्टल से थोड़ी देरी दूरी पे आए थे, और हमने यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। तो चलिए आज देखते हैं हमारे ब्लॉग में क्या क्या जगह हम कवर कर पाते हैं। फिलहाल बज रहे हैं सुबह के लगभग 11, सो बहुत टाइम है आज कवर करने के लिए। तो ये देखिए, इस टाइप की वॉल से ये पूरा ओल्ड टाउन कवर है, और एज़ पर माई नॉलेज जो मैंने अपने हॉस्टल में पूछा, इस जो ओल्ड टाउन है उसके अंदर लगभग 3000 लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत सा हिस्टोरिकल लाइक पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो अभी मैं जब वॉक कर रहा था, तो मैंने भी देखा, बहुत ही अद्भुत सुंदर लग रहा था ये सारी जगहों को देख के, यहाँ पर वॉक करना, फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी यहाँ पे। तो मैं सोचा चलो अब यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बट मुझे इतना पता है कि हम अभी कुछ घंटों के लिए ओल्ड टाउन में वॉक करेंगे, और उसके बाद कुछ लंच कॉफ़ी के बाद निकलेंगे और जगहें कवर करने। तो ठीक है गाइज, अब चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर इस खूबसूरत शहर की एक छोटी सी टाउन कॉल्ड ओल्ड टाउन को, और आपको दिखाते हैं आगे। तो इस वॉल के साथ चलते चलते आप इधर से, आपको एंट्री गेट दिखेंगे, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एंट्री हो गई है ओल्ड टाउन में। और ये है ओल्ड टाउन, यहाँ पे एंट्री गेट्स बने हैं। तो पहले तो मुझे भी लगा था मे बी कुछ एंट्री पे करनी होगी यहाँ के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली आप एंट्री कर लोगे, और उसके बाद आपको कई सारे टूर गाइड्स ऑफर करेंगे। इसके बाद आपको बहुत सारे एजेंट्स बोलेंगे कि अगर आपको हमें साइट सीइंग करना चाहते हैं, हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं बेस्ट प्राइस पे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बट ऑफ कोर्स मैंने तो नहीं करना। सो लेट्स वॉक और देखते हैं। अब ये जो गेट है जिसके हमने अंदर एंटर किया है, जो वॉल है पूरी उसके अंदर जो भी हमने एंटर किया है, वो एक्चुअल में ओल्ड टाउन शुरू हो गया है। अब यही ओल्ड टाउन पूरी ऐसी दीवारों से पूरा घिरा हुआ है, और ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सब बहुत ही पुराने टाइम की ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, जो अभी भी वैसे ही है जैसे ये उस टाइम की थी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और जो इस पूरी जो ये वॉल पूरी जो भी हर जगह से जिस वॉल के अंदर ये टाउन है, इसके अंदर जो लोगों की जनसंख्या है वो अराउंड 3000 है। ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ रह रहे होंगे वो थोड़े अल्ट्रा रिच टाइप के होंगे। तो चलिए वॉक करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये देखिए,
David, to David. So, अभी कोई ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं है, आई गेस मैं ही वॉक कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ मैंने देखा था शायद जो ओपनिंग टाइम है वो 11 बजे का है, तो शायद ये अभी जस्ट ओपन हुआ है और ओपन होते ही हम यहाँ आ गए हैं। और ये देखिए जो कैब्स कजाकिस्तान किर्गिस्तान में मिल रही थी, वैसी कैब्स के साथ अगर आप फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो एक मन्नत आपको पे करना पड़ेगा एक फ़ोटो का। काफ़ी खूबसूरत जगह है गाइस ये, और सबसे बेस्ट पार्ट है जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ वहाँ से आप कभी भी यहाँ 2 से 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं, सो इनकेस अगर आप इनकेस आप ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर करने का प्लान करते हैं आगे तो आप वो भी कर सकते हैं। करते करते अभी हम आ गए हैं दीवार के दूसरी तरफ जो कि ये है, तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड सिटी का ये एंडिंग पॉइंट है और अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो आपके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया इस वॉल के इस तरफ ओल्ड सिटी है और उस तरफ जो नॉर्मल अपना बाकू है वो है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यहाँ ये रहा कि बहुत अच्छी जगह है 1 से 2 घंटे स्पेंड करने के लिए, और अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए आते हैं तो और भी अच्छा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए ये बेस्ट जगह है बिकॉज़ यहाँ आपको बहुत चीज़ें जो इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कारपेट सैनल जो है बहुत पॉपुलर है, वो आपको बहुत अच्छी वैरायटीज़ में आप यहाँ आ सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था 11 बजे, बिकॉज आई गेस 11 बजे ही ओपन होता है, तो अभी इतने लोग भी नहीं थे तो बहुत मज़ा आया वॉक करने का। बाकी यहाँ पर 1-2 चीज़ें भी हैं लाइक म्यूज़ियम, आर्ट थिएटर, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, बट उसका आपको कुछ एंट्री देना पड़ता है 4 से 5 मन्नत जो कि 250-300 रुपये होता है इंडिया के। तो फिलहाल मैं किसी उसमें एंट्री नहीं की, जैसे आपको पता मैं ओनली अपना नॉर्मली बाहर गया, बाहर से देखा और उसके बारे में पढ़ा, टैक्स में वहाँ से वापस आ गया, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है 1 से 2 घंटे स्पेंड करने के लिए। और अगर आप साहिल एरिया, लाइक साहिल एरिया है यहाँ पे जहाँ पे मेरा साहिल हॉस्टल है, उस सारी जगह रुक रहे हैं तो आप इस जगह पे रोज़ शाम को वॉक करते करते आ सकते हैं, बहुत पास है। तो ठीक है गाइज़, अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं अगला हमारा स्टॉप कहाँ लगता है और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। तो वॉक करते करते अभी हम बाहर निकले थे ओल्ड सिटी से, तो सोचा आपको एक चीज़ और दिखा दें यहाँ की, जो सिर्फ
अजरबैजान बाकू में हूँ, और वो है यहाँ की इको स्पेशलिटी जो कि है यहाँ का ये KFC। तो ये जो KFC है, वैसे तो एक नॉर्मली KFC है जैसे हमारी कंट्री में है और कहीं और होता है, बट इस वाले KFC की खास बात ये है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा KFC आउटलेट, ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक है। और आई थिंक ये 17,000 स्क्वायर फीट में बना है या शायद उससे भी ज़्यादा, बट ये जो KFC है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा KFC आउटलेट है और ये बाकू है। मुझे भी ये एक्चुअली, क्योंकि मैं KFC ज़्यादा रहता हूँ, जब भी मैं बाहर होता हूँ तो नॉर्मली मैं खाने की जो प्रॉब्लम होती है तो यहीं पे आके चिकन, पता है कि यहाँ तो चिकन ही मिलेगा, तो यहाँ आके मैं नॉर्मली खाता हूँ। तो फिर मुझे पता चला था कि अगर तुम बाकू में जा रहे हो तो बाकू में एक KFC है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा KFC है, आउटलेट है, KFC आउटलेट। तो वो है ये KFC आउटलेट। और अगर आप ओल्ड सिटी टूर के लिए आते हैं तो ओल्ड सिटी टूर के लिए, ओल्ड सिटी से जब आप निकलोगे रोड क्रॉस करके ही, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं KFC, या रोड क्रॉस करके ही आपको ये KFC दिख जाएगा, इसके साथ पिज़्ज़ा हट भी है। और आप भी इस वर्ल्ड के सबसे बड़े KFC आउटलेट पे आके कुछ भी खा पी सकते हैं। तो गाइस, ओल्ड टाउन के बाद हम चले गए थे लंच करने, और अब लंच करके हम फ्री होके आ गए हैं बस पकड़ के एक और जगह जो कि बहुत ही पास थी ओल्ड टाउन और मेरे हॉस्टल से। अब यहाँ पे हम 2 से 3 जो बेसिक डेस्टिनेशन है यहाँ की वो कवर करेंगे, जिसमें से यहाँ की जो एक मस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि ये सामने दिख रही है आपको, जिसे कहते हैं फ्लेम टावर, और एक यहाँ पे ये टावर है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बिकॉज ये कोई पॉपुलर नहीं है, बट यहाँ पे आप स्टेयर्स लेके ऊपर जा सकते हो और ऊपर जाके यहाँ सिटी का व्यू इन्जॉय कर सकते हो। तो जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये फ्लेम टावर, और जब आप यहाँ फ्लेम टावर के सामने फ्रंट पे पहुँचोगे तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रीट दिखेगी बहुत ही खूबसूरत सी। और इसके दूसरी तरफ आपको एक और बिल्डिंग दिखेगी जहाँ पर है यहाँ का बीच। तो फ्लेम टावर जाने से पहले हमने सोचा कि चलो पहले थोड़ा बीच पे, मतलब यहाँ का जो बीच है वहाँ पे वॉक करके आते हैं। तो अभी हम चलते हैं बीच पे, और यहाँ पे एक और आर्टिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ बहुत है इस टाइप के आर्टिस्ट, आपको बहुत मिलेंगे। हम बाकू आए हैं और सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें बहुत आर्टिस्ट, ऐसे स्ट्रीट आर्टिस्ट यहाँ पर देखे हैं, फायदे से हैं, कॉमन है ये, फिर भी कोई बहुत ही यंग लड़की थी जो ये सब प्ले कर रही थी। सो अभी हम वहाँ थे, वहाँ से अब हम आ गए हैं यहाँ। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस जगह पे आते हो तो आपके 2-3 जगह आप आराम से कवर कर लोगे। तो फ्लेम टावर पे तो मेन जो अट्रैक्शन होती है इसकी लाइट्स की होती है, तो अभी तो वो लाइट्स फिलहाल नहीं चल रही थी, तो हमने सोचा तब तक बाकू का बीच देख लिया जाए। हालांकि ये वैसा बीच नहीं है जैसा नॉर्मली बीच होता है, ये एक इन्होंने वॉक भी बनाया हुआ है, मतलब बीच जैसा कह सकते हो या बीच कह सकते हो उसको, बट मैंने सुना है कि बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ से सिटी का व्यू आता है साइड से पूरा। तो चलिए अब देखते हैं कैसा रहता है। बाकी जब से हम आए हैं बहुत ही हवा ठंडी चल रही है यहाँ पे, मैंने सुना है कि यहाँ स्नो भी पड़ती है 2 या 3 दिन सिटी के अंदर। सो लोकल्स कह रहे थे कि दिसंबर या नवंबर में कभी भी पड़ सकती है 2 या 3 दिन के लिए।
तो ये एक टाइप का पार्क भी है, यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं। सुंदर सा छोटा सा पार्क है, लोग फैमिलीज के साथ फ्रेंड्स के साथ वॉक कर रहे हैं। और कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ, सुंदर अद्भुत बिल्डिंग। पॉपुलर मॉल जो कि बहुत ही सुंदर मॉल है, जैसे आप देख रहे होंगे। और उस मॉल के ही साथ में आपको बीच कह लीजिए या वाटर कह लीजिए, इसको ये बीच बोला करते हैं। और बहुत ही सुंदर व्यू आता है दूसरी सिटी के पार्ट का यहाँ से, वो भी मैं आपको पहुँच के दिखाता हूँ, बिकॉज उसका पॉइंट भी है, जो कि कई लोग अभी वहाँ हमें खड़े हुए दिख रहे हैं। और ये मॉल मॉल है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव बिल्डिंग है इसकी, जैसे आप देख ही रहे हो। हवा और भी तेज हो गई है, आपको शायद आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी, बिकॉज मैं विदाउट हेडफोन्स ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ GoPro में। सो आई डोंट नो आपको कितनी अच्छी तरह मेरी आवाज़ आ रही होगी। और ये है फ्लेम टावर, जिसमें अभी भी लाइटनिंग नहीं शुरू हुई है, तो हम वेट करेंगे लाइटनिंग का, उसी के बाद जाएंगे। हम चलते हैं उस व्यू पॉइंट की तरफ, देखते हैं वहाँ का व्यू। अगर आप भी कोई भी अपना हॉस्टल या होटल बुक करते हैं, चूज़ करते हैं, तो लोकेशन के हिसाब से कीजिएगा, बिकॉज मैंने भी जो अपना हॉस्टल किया था वो मेन उसका रीज़न था लोकेशन। ये सभी लोकेशन जो यहाँ की मेन प्राइम लोकेशन है, ये इजी वॉकेबल है। बट आप बस भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, बट वो 1 से 2 किलोमीटर दूरी मैक्सिमम जो वहाँ के व्यू है वो है। तो अगर आप बस लेना चाहें बस भी ले सकते हैं। नॉर्मली जो मेरे हॉस्टल के लोग हैं सभी वॉक करके यहाँ पर रोज़ाना आते हैं टाइम स्पेंड करने। अब ये देखिए, ये है यहाँ का बीच और ये है दूसरी सिटी के दूसरे पार्ट का व्यू, आई गेस आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ये भी एक सिटी का पार्ट है जो कि बहुत ओल्ड लग रहा है, तो आई एम श्योर ये कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, बट स्टिल यहाँ से आपको क्लियरली व्यू मिलेगा, बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा। तो आप आइए अपना टाइम स्पेंड कीजिए, और साथ में मॉल भी है, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है वो भी कर सकते हैं। और इसी के वॉकिंग साइड पे आपको कई कॉफ़ी शॉप्स लाइक स्टारबक्स और इनकी अपनी जो ब्रांड्स हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप वॉक करते करते दूसरे पॉइंट पे आएंगे, तो यहाँ फिर आ जाता है यहाँ का बाकू आई, जो ये सामने है। अब यहाँ भी चल के आपको दिखाते हैं मुझे इसका भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ये बाकू आई भी है। हाँ, मैंने पिक्स देखी थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअल में है कहाँ। वो मैंने सोचा था कि मैं शायद कल विज़िट करूँगा, बट मैं भी वॉक करते करते जब आके आया तो ये मुझे सामने ही दिख गया। बट आई गेस इसकी एंट्री टू
दूसरे पार्ट पार्ट से है रोड के, तो कोई बात नहीं, आपको दूसरी तरफ जाके इसका भी एक बार इसके भी शॉट्स लेंगे, आपको दिखाएंगे। तो ऊपर तक जाने की चढ़ाई अभी हमने शुरू कर दी है। यहाँ ऐसी अराउंड 300 या 250 स्टेयर्स हैं, ये आपको ऊपर तक ले जाएगी जहाँ से आपका टावर का व्यू और शायद सिटी व्यू भी आएगा। अब ये तो ऊपर जाके ही पता चलेगा कैसा व्यू रहता है। और इसके साथ वैसे यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई टूरिज्म की कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन टाइप थी, छोटे छोटे कैबिन्स थे, बट वो आई गेस अभी ऑपरेट नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने कहा चलो स्टेयर से ही चलते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी फिर ऊपर पहुंच के आपको दिखाते हैं कैसा व्यू रहता है वहां से। सो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं टॉप पे। बहुत शेयर मेरे ख्याल से 300-400 तो होगी ही होगी। तो बाकी यहाँ आके पता चला कि आप यहाँ से जो यहाँ की कैब सर्विस है बोल्ट उसके थ्रू भी आ सकते हो, कोई नॉर्मल चार्जर रेगुलर चार्जर लगता है उसमें, बट अगर आपकी फिटनेस ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर्स में, तो आप शेयर्स लेके भी आ सकते हो मेरी तरह, जो कि इतना भी चैलेंजिंग नहीं था, ठीक ठीक था। तो मुझे थोड़ा जल्दी भी बिकॉज 6 बजे बंद होने वाला था, मैंने सोचा पहुंचो तो मैं थोड़ा फास्ट आया और हवा तेज हो गई है फिर से, बट गाइस जो है सच में बहुत अमेजिंग है। तो आपको मैं इसका यहाँ का जो मेन व्यू है वो दिखाता हूँ। पे 10 से 15 मिनट बिताने के बाद अब हम फाइनली जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, बिकॉज़ आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। और जैसे ही आपको सुन ही रहा होगा हवा की आवाज़ से, इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। तो और फिलहाल जो नियर बाई जगह थी वो कुछ बचे भी नहीं है देखने के, तो जो मेन अट्रैक्शन थी वो हमने कवर कर ली आज। तो अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ और देखते हैं कि किस बस नंबर में बैठ के हॉस्टल में पहुंचना। वैसे वॉक करके भी जा सकता हूं, बट अभी मूड नहीं है वॉक करने का, तो बस ही लेंगे यहां से हॉस्टल की। और जाते हैं हॉस्टल, करते हैं आराम और कल देखते हैं फिर कल हम किस जगह जाते हैं बाकू की, और अपने साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं हमारे कैमरे के साथ। चलो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।